जब राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, हमारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए जाते थे, सब कुछ होता था, फिर भी ओडिशा के विकास के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से हम लगातार काम करते रहे। केंद्र सरकार ने, और मैं कहता हूं भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में जितना उड़िया का प्रतिनिधित्व रहा है पहले कभी नहीं रहा। और केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यहां पर जो सरकार है वो हमारे साथ है नहीं है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है बुरा लगता है, हम वो नहीं सोचते थे। हम जनता का भला करना सोचते थे। और हमने उड़ीसा को केंद्र से मिलने वाले बजट को 3 गुना किया था। हमने उड़ीसा के लिए नई नई योजनाएं चलाई, यहां वर्ग हर समाज की समान भाव से सेवा की। और इसलिए उड़ीसा की जनता बीजेपी की नीतियों को और कार्यशैली को भलीभांति जान पाई, उनका एक विश्वास पैदा हुआ और दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं तो इंटीरियर में जाता था, कभी मैं संकोच करता था, अरे मेरे हिंदी भाषा में मैं बात कैसे पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि भाषा भी कभी रुकावट नहीं बनी, भाव इतने मजबूत थे जो भाषा से भी ऊपर सवार हो जाते थे। साथियों, मुझे पहले सीएम के रूप में गुजरात की सेवा करने का मौका मिला, फिर पीएम के रूप में देश की जनता का सेवा करने का मौका मिला, और आप सबने, देशवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं सारा दुनिया के लोगों को लगता है भाई क्या बात है, हिंदुस्तान के लोग, 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए, 19 में आए, उससे दुनिया में जितना प्रभाव था 24 में उससे अनेक गुना ज्यादा हो गया है।